हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको ओडिया बहु यूट्यूब चैनल रे स्वागत करू छी। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी हिंदू धर्म रे बहुत महत्व रही थाए। जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्णक जन्मदिन रूपे पालन करा जाए। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी पर्व पालन करा जाए। जन्माष्टमी पर्वटी को श्रीकृष्ण को समर्पण करा जाए छी। एही पर्वटी को भक्त माने बहुत आनंद उल्लास रे पालन करिथांती। माना जाए कि एही जन्माष्टमी दिन श्रीकृष्णकर पूजा करिबा द्वारा एवं व्रत रखिबा द्वारा भगवान श्रीकृष्ण कृपारु सबु कष्ट और संकटरु मुक्ति मिली थाए। आज वीडियो रे मु आपन को किछि एपरि जिनिस विषय रे कहिबाकु जाउछि जहाकु आपन जन्माष्टमी पूर्वरु घर को आणंतु। जदि एही जिनिस मधुरु आपन कोनसे गोटे जिनिस को आणंती तो एहा द्वारा आपन को कृष्णकर कृपा प्राप्त हेबो। तांको कृपारु आपनकर सबु मनोकामना शीघ्र पूर्ण होइजिवो। एही वर्ष जन्माष्टमी पर्व 30 अगस्त सोमवार दिन पड़ाकू जा। भाद्रव मास वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र रे एही वर्ष पड़ुछि, तेणु यह बहुत बड़ संजोग माना जाए। एही दुर्लभ संजोग रे व्रत रखिले सबकिछि शुभ होइथाय। एही दुर्लभ संजोग रे भगवान श्रीकृष्णकर पूजा कले श्रीकृष्ण निज भक्तकर सबु कष्ट को दूर करिवे। एही जन्माष्टमी पर्वर शुभ मुहूर्त 30 अगस्त राति 11:68 रु राति 12:84 पर्यंत रहिबो। फ्रेंड्स, वीडियो रे आगो को जीवा पूर्वरु वीडियो टी को गोटे लाइक करी निज संग साथी रे शेयर करी नियंतु आ आम चैनल को सब्सक्राइब करी नियंतु आ भगवान श्री कृष्ण को कृपा पाइबा पई कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण निश्चय लेखंतु। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्णकर नाम पाटी रे आसीबा क्षणी ताकर सेही बंसी धरिथिबा मयूर पंख पिंदा मूर्ति रो छवि आम आखि आगो को चली आसे। आज वीडियो रे मु आपनको एपरी 8टी वस्तु विषय रे कहिबी जहां भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय। जदि आपण मध्ये श्रीकृष्ण कर कृपा पाइबा पई चाहू छंती तो जन्माष्टमी पूर्वरु किबा जन्माष्टमी दिन एही वस्तु मध्यरु गोटिए वस्तु आपनको घर को अवश्य आणंतु। फ्रेंड्स, भगवान कर प्रिय वस्तु हेउछि मयूर पंख। कुहा जाय कि जेबे कृष्ण कर बंसुरी ध्वनि रे राधा नृत्य करूथिले तो तांको सहित मयूर माने मध्य नृत्य करूथिले। सेमानकर पर पड़ी गले कृष्ण आणी ताकु तांकर मस्तक रे सजेई देउथिले। एथि पई भगवानकर जन्म उत्सव रे मयूर पंखरे तांकु झडा जाईथाय। द्वितीय जिनिस हैला बंसी। हिंदू मान्यता अनुसार भगवान कृष्णकर बंसीर मधुर ध्वनि शुणी गोपी माने मुग्ध होई जाउथिले। भगवान कृष्णकर बंसी प्रेम एवं आनंदर प्रतीक। भगवान कृष्णकर जन्मछम सामग्री रे बंसी शामिल कले घरे आनंद खुशी रही थाए। भगवान कृष्ण को बंसी अर्पण करंतु। माना जाए कि जेउठारे वास्तुदोष रहुथाए सेठारे बंसी लगाइले वास्तुदोष दूर होइथाए। किंतु ध्यान रखंतु बंसी को केबे सीधा लगांतु नाही, एहाकु सबुबेले बंका लगांतु, एथि द्वारा लाभ मिलिबो। तृतीय जिनिस मयूर मुकुट। ज्योतिष गणना अनुसार श्रीकृष्णकर जन्म कुंडली रे काल सर्पजोग थिला, तेणु से निजर मुकुटारे मयूर पंख को लगाउथिले। मयूर एवं साप भितरे घोर शत्रुता थाए, एथिपाई मयूर पंख को मस्तक धारण कले काल सर्पजोग कम रुहे। तांकर पूजा रे तांको मयूर पंख अर्पण कले काल सर्पदोष कमी थाए। चतुर्थ जिनिस लोहणी। श्रीकृष्ण को लोहणी अत्यंत प्रिय। श्रीकृष्ण को लोहणी एते प्रिय जे से पिलादिने गोपी मानकर हांडीरु लोहणी चोरी करी खाई देउथिले। भगवान कर पूजा रे लोहणी अवश्य ही शामिल करिवे। एहाकु भोग रे चढ़ाइले आपनकु आरोग्य प्राप्ति हुए। पंचम जिनिस झुलणा बा दोड़ी। भक्त भाव रे समस्ते बाळगोपाळ को जन्माष्टमी रे झूला रे झुलेबार परंपरा रही आसुछि। भक्त माने तांकु झुलाई आनंद पाई थांती। जेपरी निजर संतान को झुलाई आमे खुशी पाई थांती तो जन्माष्टमी रे झूला उपहार रे भगवान को देले प्रेम और आनंदर प्राप्ति होइथाय। षष्ठ जिनिस हैला हळदिया वस्त्र। जन्म उत्सव परे भगवान बाळ स्वरूप को पंचामृत रे स्नान करैबा परे हळदिया रंगर नुआ वस्त्र पिंधा जाइथाय। जदि आपण मध्य एथर जन्म उत्सव पालन करिवार प्रस्तुति करूछंती तो पूजार सामग्री रे हळदिया वस्त्र को शामिल करांतु। सप्तम जिनिस गाय। भगवान श्रीकृष्णकर निवास गोकुल रे बोली माना जाए। गाय भगवान श्रीकृष्णकर सहजर।
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଗାଈ ବାଛୁରୀର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଏ। ଗୁରୁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଗାଈର ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ସେହି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଈଶାଣ କୋଣରେ ଚାନ୍ଦିର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଚାନ୍ଦିର ଆଣି ନ ପାରିଲେ ଆପଣ ଗାଈ ବାଛୁରୀର ଫଟୋକୁ ଆଣି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୋଣରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷ ଗୀତା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ସଖା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁଧାରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ କୁହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୂଜାରେ ଗୀତାର ବହି ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଏହାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ କିମ୍ବା ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମିଲ କରାନ୍ତୁ। ଏହିପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।